सीवीसी ने क्यों नहीं किया समय पर कार्रवाई? क्या जांच एजेंसियों की लापरवाही और समय पर कार्रवाई न करना ही बना इतनी बड़ी घटना का कारण? क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार और पैसों की हेराफेरी पिछले लंबे समय से चल रही थी? क्या जुलाई 2023 में विजिलेंस डिपार्टमेंट को इस मामले में शिकायत दी गई थी? क्या शिकायत में अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार और जनता के पैसों की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाए गए थे? क्या शिकायतों पर जांच में हुई थी देरी? जांच समय पर क्यों नहीं किया गया? क्या जांच एजेंसियों द्वारा इन शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय निर्दोष है? 40 से अधिक शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों नहीं किया समय पर जांच? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए पहले बात करते हैं लापरवाही की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कॉलेज प्रशासन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और जनता के पैसों की हेराफेरी के मामले के अलावा आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र, खासकर महिला छात्र, कॉलेज प्रशासन के दुर्व्यवहार, धमकी और असामान्य रवैये से बेहद परेशान थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 40 से अधिक शिकायत विजिलेंस समेत कई जांच एजेंसियों को सौंपी गई, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल यह है कि इन शिकायतों को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? क्या यह घटना टाली जा सकती थी? हाँ, उस युवा डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार और बेहद शर्मनाक घटना जिसने उस महिला डॉक्टर को ही हमसे छीन लिया, उसे बेशक टाला जा सकता था, किंतु यदि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई की गई होती। मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्र भवन हेडक्वार्टर में भी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली के ईटी नाउ में दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार और जनता के पैसों की हेराफेरी के ढेरों और विभिन्न आरोप लगाते हुए उन्होंने स्टेट विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन सेल, स्वास्थ्य मंत्रालय व अन्य जांच एजेंसियों को शिकायत जुलाई 2023 में सौंपी थी और बार बार फॉलोअप के बावजूद घटना वाले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और घटना के बाद डॉक्टरों के देशव्यापी धरना प्रदर्शन से मामले को जोरदार तूल पकड़ते देख सारे विभागों ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। सवाल ये है कि ये सारी कार्रवाई जो घटना के बाद हो रही थी, वो घटना से पहले ढेरों आरटीआई आवेदनों और शिकायतों पर नहीं हुई, लेकिन क्यों? ये सवाल आज भी जवाब के इंतजार में है। इतनी बड़ी घटना घट गई, किसी की जान चली गई, परंतु जो शिकायत जुलाई 2023 में सरकारी जांच एजेंसियों को सौंपी गई थी, उन शिकायतों पर घटना वाले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्यों? ये सवाल आज भी निरुत्तर है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वो बड़ा सवाल है जिसके उत्तर की तलाश तमाम लोगों को आज भी है। उस युवा डॉक्टर की जान बचाई जा सकती थी अगर जांच एजेंसियों ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन समय पर किया होता। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि इस त्रासदी का कारण जांच एजेंसियों की लापरवाही और जांच में देरी थी, जिसके कारण उस डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई। शोकग्रस्त परिवार के दर्द का पल। दुर्भाग्य से वह युवा डॉक्टर जिसने शायद भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपनी जान दी, अपने गरीब माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता जिन्होंने सीमित संसाधनों में उसका पालन पोषण किया, आज उनकी उम्मीदें और सपने खो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि किसी भी जांच एजेंसी ने समय पर शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब का इंतजार आज भी है। सीवीसी की लचरता पर सवाल। तमाम मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसियों को जांच के लिए सौंपा, पर आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब का इंतजार आज भी है। क्या सीवीसी समय पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं थी? क्या केंद्र सरकार सीवीसी, सीबीआई और ईडी के माध्यम से बिना किसी देरी के कोलकाता मेडिकल कॉलेज से संबंधित भ्रष्टाचार और जनता के पैसों की हेराफेरी के मामले की जांच करने के लिए जिम्मेदार और बाध्य नहीं थी? क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने सीवीसी और अन्य जांच एजेंसियों को 40 से भी अधिक शिकायत दी थी? क्या सीवीसी शिकायत में उठाए गए आपराधिक आरोपों की जांच सीबीआई को
तुरंत सौंपने के लिए बाध्य नहीं थी? क्या सीवीसी शिकायत में उठाए गए जनता के पैसों की गड़बड़ी से संबंधित आरोपों की जांच ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तुरंत नहीं सौंपना चाहिए था? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आरजी कर मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि मंत्रालय ने शिकायतों पर समय रहते क्यों नहीं की कार्रवाई। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफ चीफ हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। FIR दर्ज नहीं हुआ, लेकिन क्यों? कानून के अनुसार शिकायत मिलते ही FIR दर्ज किया जाना चाहिए। यहाँ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार आज भी है। भारत का कानून कहता है कि अगर जांच एजेंसियों ने शिकायत को झूठा पाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि उस पर कोई जांच करना व्यर्थ होगा, तो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 182 जो वर्तमान में पूरी तरह लागू है, मुख्य रूप से झूठी जानकारी देने के काम को संबोधित करती है। इसका उद्देश्य है कि अपनी झूठी शिकायत से किसी पब्लिक सर्वेंट को अपने लीगल पावर का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई किया जाए। ऐसे मामलों में कानून झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनेकों बार कहा, जिसमें 2013 में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मामला एक है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर सूचना किसी कॉग्निजिबल ऑफेंस के होने का संकेत देती है तो पुलिस को फौरन FIR दर्ज करना चाहिए। बिना किसी वैध कारण के ऐसा ना करने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में इसे अपराधियों को बचाने या न्याय में बाधा डालने का प्रयास माना जा सकता है, जिसके और अधिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा, जो जनता का काम ना कर सके उसे छोड़कर जाना होगा। बिजनेस टुडे में 17 सितंबर 2015 को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि जिन अधिकारियों का काम निम्न स्तर का होगा उन्हें नौकरी से सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या सरकार इस मामले में कार्रवाई शुरू करने वाली एजेंसियों की लचरता, ढिलाई और शिकायत पर देरी करने वाले अधिकारियों पर कोई कदम उठाती है या नहीं। क्या आप सभी को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उच्च स्तर की प्रशासनिक विफलता नहीं दिखती, खास तौर पर जब 40 से अधिक शिकायत दी गई और कार्रवाई कुछ नहीं? क्या आपको अस्पताल प्रबंधन की ओर से सुरक्षा में गंभीर चूक नहीं दिखता? इस मामले में गंभीर जांच की आवश्यकता है, ताकि इन प्रमुख मुद्दों की गहराई से जांच कर ये पता लगाया जा सके कि शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालना लापरवाही थी या किसी कारण जानबूझकर और इरादतन किया गया कार्य। मित्रों, कोलकाता की घटना को लेकर पिछले एक महीने से विभिन्न मीडिया माध्यमों से प्राप्त और प्रसारित जानकारी से गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं, जिनका उत्तर निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यह एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, इसलिए इस बेहद गंभीर मुद्दे को गंभीरता से संबोधित करने की आवश्यकता है। नमस्कार।